अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं एयर एंटर्स इनटू द नॉस्ट्रिल्स, यानी हमारे नेज़ल कैविटी में जो है एयर एंटर करती है, और हमारे नेज़ल कैविटी में नाक में जो भी हमारे हेयर्स होती हैं, म्यूकस होती हैं, तो जो एयर में, आपने कभी धूप की रोशनी में देखा होगा कि एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर भी जाते होंगे, तो ये जो हमारे नेज़ल कैविटी में जो भी हेयर्स होती हैं और जो भी म्यूकस होता है, तो इन डस्ट पार्टिकल्स को ये यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। इट देन पासिस इनटू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर्स इनटू द लंग्स। तो ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई से होते हुए हमारे लंग्स में ये जो एयर है, ऑक्सीजनेटेड एयर जो है ये जाती है। द ट्रेकिया हैज रिंग्स एंड ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इनटू द ट्रेकिया। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये ट्रेकिया है, इसके पास क्या है कि ये यहाँ पे आप रिंग्स देख रहे होंगे सर्कल ऐसे, तो इसके ऊपर कार्टिलेज की एक रिंग है, ठीक है, ताकि ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये कोलैप्स ना हो। अगर जब हवा, हम सांस जब छोड़ते हैं तो हवा इसमें से निकल जाती है, तो ये कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको सपोर्ट देने के लिए ट्रेकिया की जो आउटर वॉल है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स व्हिच एंड्स इन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड द एल्वोलियाई। द एल्वोलियाई सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। द एल्वोलियाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर हम इस फिगर को और बड़ा करके देखें, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो है ट्रेकिया आगे चल के वो ब्रोंकस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और ब्रोंकस जो है वो आगे सब डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये है ब्रोंकस और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ये हैं ब्रोंकियोल्स, तो ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स जो है अपने एंड में एल्वोलियाई का फॉर्मेशन करती हैं। तो एल्वोलियाई क्या होते हैं? एल्वोलियाई आर एयर सैक्स, ठीक है, वो हवा से भरे सैक्स की तरह काम करते हैं। वो कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ब्रोंकियोल है और ये एंड में अपना जो इसका एंड है वो एल्वोलियाई इसको कहते हैं, और ये एल्वोलियाई में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, क्योंकि हम जब एयर लेते हैं तो एयर ऑक्सीजनेटेड रहती है, तो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी एयर जो है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एंटर करता है, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में वो यहीं से फिर हमारे लंग्स में आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो वापस ब्लड में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन से हमारे लंग्स में आ जाती है, और हम एयर को एक्सहेल कर देते हैं, यानी सांस छोड़ देते हैं, तो यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। आप रेड कलर का जो देख रहे हैं आर्टरीज है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो वेन है ये ब्लू कलर की है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो वो आर्टरीज में चली जाती हैं। तो ये आप एक और डिटेल फिगर देख सकते हैं कैसे जो एल्वोलियाई है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाइड रहती हैं, और यहीं पे हमारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस यहीं पे हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है ब्रीथिंग में, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स एंड द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्रेगम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप इस फिगर में देखिए कि जब हम ब्रीथिंग इन लेते हैं, ब्रीथ इन का ये फिगर है और ब्रीथ आउट का दो फिगर है, कंपैरेटिव फिगर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायफ्रेगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। ये डायफ्रेगम, ये जो आप ब्राउन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये है हमारा डायफ्रेगम, तो जब हमने सांस लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, मतलब आप इसको ये देखिए कि ये मतलब ये बाहर की तरफ निकल गया है डायफ्रेगम का। आप जब ब्रीथ आउट करेंगे तो ये देखिए डायफ्रेगम रिलैक्स, यानी डायफ्रेगम की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, लेकिन आपने ब्रीथ लिया तो आपके यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये डायफ्रेगम नीचे उतर के यहाँ पे आ गए, जहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो
आप जब आपने सांस लिया तो आपका चेस्ट भी एक्सपेंड किया और रिब्स भी फुली, तो ये हो गया ब्रीथ इन की कंडीशन। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अपनी जगह से इधर घिसक जाती है, ठीक है, और हमारा डायफ्रेगम जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, डायफ्रेगम रिलैक्स हो जाता है। तो अगर हम इसको एक दूसरे एक्सपेरिमेंट वाइज में देखें तो हमने यहाँ पे दो जार्स ले लिए हैं, ठीक है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के लिए। एक्सपिरेशन मतलब सांस को छोड़ना और इंस्पिरेशन मतलब सांस को लेना। तो अगर हम सबसे पहले ब्रीथ इन की कंडीशन को अगर हम समझें तो इस जार में दो गुब्बारे लिए गए हैं टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू। अगर हमने अंदर सांस ली तो ये गुब्बारे जो है वो फूल गए, बलून जो है वो लंग्स की तरह हम डिपेक्ट कर रहे हैं तो फूल गए, और नीचे जो हमने शीट लगाई है वो हमारे डायफ्रेगम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जब हम गुब्बारे जब फूल गए हैं तो जो हमारी शीट है नीचे की तो वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम गुब्बारों में हवा भरी तो जो अंदर का गैस जार है उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, तो इस वजह से जो है वो प्रेशर कम हो गया एज़ कम्पेयर टू कि गुब्बारों के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और उसके सराउंडिंग में जो है वो प्रेशर कम है, तो इस वजह से जो शीत है वो जो है वो सिकुड़ गई, वो बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो ये हमारा डायफ्रेगम भी हमारी बॉडी में इसी तरह काम करता है। यहाँ पे आप डायफ्रेगम देख सकते हैं, वो बाहर की तरफ आया है, ठीक है। और जब हमने सांस छोड़ी, एक्सपिरेशन किया, जैसे कि आप जो है इस जार में देख सकते हैं कि ये एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ने का है, तो यहाँ पे गुब्बारों में जो है प्रेशर जो है वो एज़ कम्पेयर टू कि जार वो कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, तो हमारा डायफ्रेगम जो है वो अपने आप जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, ठीक है। ये जो शीत है वो डायफ्रेगम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्रेगम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।